आज हम लोग यहाँ पर पहले श्री गणेश और बाद में देवी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गणेश को इस महाराष्ट्र में विशेषतः बहुत माना जाता है। यहाँ पर स्वयंभू अष्ट विनायक, अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गणेश नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयंभू अष्ट विनायक नहीं है। लेकिन आप जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, जब आप चैतन्य को प्राप्त करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये स्वयंभू है, क्या ये वास्तविक पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई चीज है। गणेश के अनेक चमत्कार सहयोग में हुए, विशेष करके एक तो हमारे फोटोग्राफ्स है, अगर आप उन्हें देख लीजिए तो आप हैरान हो जाएगा किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन दिए हुए। गणेश की जो विशेषता है वो यह है कि वो हर चक्र पे विराजमान। सबसे पहले गणेश की ही स्थापना की गई थी, और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है कि पहले सारा संसार पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी चीज है पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई सा भी सृजन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए अगर कोई पेड़ है और उसके आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा तो वो पेड़ मर जाएगा। इसी प्रकार इस सारी सृष्टि का जो वातावरण है उसे पूर्णतया शुद्ध करने के लिए ही श्री गणेश की स्थापना की गई। आजकल के इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते हैं कि पवित्रता चीज क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। यही गणेश आगे जा करके आपके आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह के रूप से प्रकट हुए थे, इसलिए ईसा मसीह ने भी सबसे ज्यादा पवित्रता का महत्व होता है कि आपकी आंखें तक पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पे आंखों में तक आपकी पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में पवित्रता नहीं है तो फिर आप किसी तरह से भी पवित्र नहीं माने जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने को कहें कि हम ये खराबी है, हमें वो खराबी, किंतु श्री गणेश को अगर हम मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। तो पहला तो उनका गुण है कि पवित्रता। अब इस पवित्रता को हम किस तरह से पा सकते हैं? कहने से नहीं हो सकता, किसी आदमी से कहा जाओ तुम पवित्र हो जाओ तो नहीं हो सकता। गंगा जल से नहाने से भी मनुष्य पवित्र हो ऐसी बात नहीं। तो ये पवित्रता आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके कुंडलिनी का पहले ही जागरण होना चाहिए। जब जागरण हो जाएगा तभी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो कुंडलिनी है ये सब चक्रों को स्वच्छ कर देगी। लेकिन वहां पर भी श्री गणेश जी का कार्य, क्योंकि ये चैतन्य और वो चैतन्य स्वरूप श्री गणेश आपके हर चक्र को भी साफ करते रहते हैं, और अंत में जाकर के सहस्त्रार पर भी श्री गणेश आप जानते हैं कि सदाशिव के गोद में बैठे। ये जो भी चीजें हम लोगों को लगती हैं कि पौराणिक है, मैथोलॉजिकल है, ये सब की सत्यता सहयोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछे उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज को कह देने से कि असत्य है, वो चीज असत्य नहीं होती, उसकी खोज बीन कर लीजिए। ये गहरी चीजें हैं, और श्री गणेश आकार तो अत्यंत अत्यंत गहरा है, और वो एक चिर बालक है। उनमें जो अबोधिता है, इनसेंस है, वो एक चिर बालक है, वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ यू हैव टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए, लेकिन वो जबरदस्ती करने से या कुछ रोज की अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो
तो आपका प्रतिहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडली का जागरण पहले कर लें। कुंडली के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादि काल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है और ये उसी समय का इंतजार है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपके कुंडली का जागरण कर सके, क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारे तकलीफें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाग्रता स्थापित करें। चारों तरफ हम लोग देखते हैं, फूल देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, यह सारा कौन करता है। इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी बह रहा है। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतजाम में है कि कब आपका पुनर्जन्म। अभी तक अभी बात से स्थिति में हम आ गए, इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई उच्च स्थिति जरूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया। और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस एवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न है अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण है इसलिए इनको गणपति कहा जाता है और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी जरूरत होती तुरंत दौड़ के स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त। यह कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं लेकिन ये सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित है, क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना है। दूसरी चीज इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, इसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज को, उनको मालूम नहीं किसी से नाराज होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं, किसी हद तक काफी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर जरूर वो नाराज हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें ये भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास
लगे रहे थे। बड़े चमत्कार से जो भी हुआ, अनेक लोगों ने कहा कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल हो गए, वो भी कहा श्री गणेश के। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण है। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का गर्व भी नहीं सुना, तो मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुआ है। और आप लोग भी जहाँ यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो और उस श्री गणेश को रखो जिसकी आज पूजा होने वाली है।